नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल रिचर्ड फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर जो बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मॉस्फेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया या फिर डायोड हो गया, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, उसे टेस्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो देखने के लिए एक जैसे होते हैं, आपको लगेगा कि ये दोनों पार्ट्स एक ही है, सेम ही है, लेकिन देखिए आपको जब तक के आप उस कंपोनेंट का पार्ट नंबर आप चेक नहीं करते हो, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा कि वो एक ही है या फिर अलग अलग है। देखिए, दोनों दिखने वाले, दोनों सेम दिखने वाले जो कंपोनेंट है, आपको ऐसे लगेगा कि वो सेम है, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वो लैपटॉप देखा तो लैपटॉप में मुझे दो कंपोनेंट थे, बिल्कुल पास पास ही थे, तो ऐसे लगता है कि जैसे दोनों भाई भाई है, एकदम सेम है, लेकिन ये दोनों अलग कंपोनेंट है, दोनों अलग, दोनों का फंक्शन अलग है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं वो कंपोनेंट कौन से है और देखने के लिए मदरबोर्ड पे वो कैसे दिखाई देते हैं। चलो फिर, ओके, तो ये मदरबोर्ड है, HP 15 सीरीज लैपटॉप है, उसका ये मदरबोर्ड है। आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट्स, बहुत ही स्मॉल यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक जैसे दिखने वाले कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चलो फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, चलो ये दोनों कंपोनेंट है, बिल्कुल आसपास यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए इसका नंबर जो है, ये PQ32 है और ये सॉरी PQ3 है और ये PQ4 है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये एक जैसे दिखते हैं, बहुत ही बिल्कुल सेम कंपोनेंट जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसके ऊपर शायद ऐसा लिखा है 1AM और K72। ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अलग अलग ये पार्ट नंबर है, क्या है ये K72 और ये 1AM। ठीक है, तो ये इसका नंबर है, आप देख सकते हो 1AM और K72। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ये पार्ट है। तो चलो फिर आज इस पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कैसे मतलब क्या इसकी इंफॉर्मेशन में अब हमें दिखाई देता है। चलो फिर अभी देखते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि एक कंपोनेंट है, उस पर लिखा हुआ था 1AM करके। ठीक है, तो बस आपको इसके सामने SMD लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है, तो ये ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आपको डेटा शीट मिलता है, तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे ये डेटा शीट है, बस यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे 1AM, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसे ही इसका जो कोड होता है। ठीक है, क्या होता है ये, उस कंपोनेंट का कोड होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था उस पर क्या लिखा हुआ था, K72 करके था। ठीक है, K72, और इसे हम इसके सामने हम SMD कर देते हैं। ठीक है, एंटर, तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा बुक, डेटा शीट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे डेटा शीट है, यहाँ पे कोई भी आप कोई भी उठा लो, चलो मैं ये उठाता हूँ। ठीक है, तो ये उठाने के बाद यहाँ पे डेटा शीट यहाँ पे आपको मिलेगा, तो देख सकते हो। ठीक है,
एक्चुअली ये एन चैनल मॉस्फेट है, आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका डेटा शीट अलग है। इस कंपोनेंट का ये कोड है, ऐसे ही कोर्स जो छोटे छोटे जो भी स्मॉल कंपोनेंट्स है वहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेंगे, और कोड के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो उस कंपोनेंट का पार्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्च करना है। ओके, तो ये क्या है, ये इन चैनल मॉस्फेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे निकाला हुआ है। तो जो इसका ये वाला ऊपर की तरफ जो सिरा है, ये इसका ड्रेन है। उसके बाद जो इसका लेफ्ट साइड वाला जो सिरा है वो कौन सा है, ये है गेट, और राइट साइड वाला ये है सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है सोर्स और ड्रेन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से एक बाईपास निकला हुआ है, यहाँ से एक ये बाईपास निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कटा हुआ है, ठीक है। और ये जो गेट है, ये गेट क्या करता है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जैसे यहाँ पे अभी सप्लाई यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो सप्लाई ये जाएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये रुक गया है, और जब तक के ये गेट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये सप्लाई, जब ये गेट एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से निकल कर ये इन दोनों को जोड़ देगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये यहाँ से जो सप्लाई है यहाँ से निकल के ये यहाँ से ड्रेन से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ये वर्किंग कैसे करता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। देखिए खराब हो जाए तो क्या होगा, अगर अगर ये जो जैसे हम स्विच कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जब ये इसे सप्लाई मिलता है तो ये ऑन हो जाता है, और ये जो सप्लाई जो है ये निकल जाती है तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये काम किस चीज़ की तरह करता है, ये एक स्विच की तरह काम करता है, ये एक बटन की तरह काम करता है ऑन ऑफ करने का, ठीक है। तो होगा क्या, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। जब आपको अगर ये एक बार इसका फंक्शन अगर मालूम है तो बहुत ही सिंपल है इसे टेस्ट करना, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक तो ऐसा होगा कि ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो ओपन कब रहेगा, जब हम इससे सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद भी ये एक्टिवेट नहीं होता। देखो ये एक्टिवेट जब होता है तो यहाँ से आपको जब आप डिजिटल मल्टीमीटर पे आप टेस्ट करते हो तो यहाँ से मतलब जैसे अभी एक सिरा आपने रेड वाला सिरा आप यहाँ पे लगाओ और ब्लैक वाला सिरा यहाँ पे लगाओ, तो होगा क्या इस कंडीशन में, आपको यहाँ से जब यहाँ ये दोनों लगाओगे और डायोड टेस्टिंग मोड पर आप जब इसे रखोगे तो आपको वो रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। वो आपको क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाना चाहिए आपको, ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो, और ये जब ऑफ कंडीशन में हो तो आपको रीडिंग वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जब हम इससे जो सिग्नल मिलता है इस गेट के लिए, या फिर जो वोल्टेजेस मिलते हैं, तो ये वोल्टेजेस क्या होता है, इस गेट, गेट माने क्या, यहाँ पे एक जैसे कैपेसिटेंस की तरह ये काम करता है, कैपेसिटर की तरह काम करता है। ये गेट एक्टिवेट मतलब ये चार्ज हो जाता है, और जब तक कि ये चार्ज होता है तब तक आपका ये जो सप्लाई है ये बाईपास होती रहेगी, ऐसे आपका बाईपास होती रहेगी। लेकिन ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डी और एस को आपको शॉर्ट करना है। जब आप ये शॉर्ट कर देंगे तो आपका गेट आपका क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने के बाद ये सप्लाई आपका आपको रीडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना होता है, ठीक है। जब आप टेस्ट करते हो बजर मोड पे, तो बजर मोड पे ये जो मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट कैसे चेक होगा, ठीक है। सबसे पहली ये बात है कि जब आप इसे डिस्चार्ज कर देते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे एक उंगली इस पर रखते हो ड्रेन पर, एक उंगली सोर्स पे रखते हो, तब तो भी आपका ये जो डायोड है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब ये डिस्चार्ज होने के बाद ये आपका गेट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए
आपको सिंपल थ्योरी समझना है कि जब आप ये यहाँ पे सप्लाई मिलती है गेट के लिए तब ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि अगर ये डिस्चार्ज है आपका मॉस्फेट और तब भी आप यहाँ पे जैसे ब्लैक प्रॉब लगाते हो, सोर्स पे ब्लैक रेड प्रॉब लगाते हो और आपका बजर आ रहा है, ठीक है ठीक है, अब ये चार्ज तो नहीं है, गेट आपका चार्ज नहीं है तो बाईपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तब भी आपका यहाँ पे अगर बजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो मॉस्फेट है वो खराब हो चुका है, वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये आपका जो गेट है ये एक्टिवेट मोड में नहीं रहता है कभी, ठीक है, ये हमेशा ओपन मोड में रहता है, और जब यहाँ पे इसे सिग्नल मिलता है गेट के लिए तभी ये एक्टिवेट होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे डिस्चार्ज करेंगे तब ये आपका डीएक्टिवेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रेन पर ब्लैक प्रोब रखनी है और सोर्स पे रेड प्रोब रखनी है, और अगर आपको यहाँ पे बजर मोड मिलता है, बजर मिलता है तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है, और आपको ड्रेन और गेट पर भी आप अगर आपको बजर बीप देता है तो इसका मतलब तब भी आपका डायोड जो है, सॉरी मॉस्फेट जो है वो खराब हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है टेस्ट करने का। जैसे अभी ये मेरे पास एक ब्लैक यहाँ पे मैं रखता हूँ, जैसे अभी ये यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे बजर मिलता है तो समझ लो ये खराब है, और यहाँ पर ऐसे रखता हूँ गेट और ड्रेन पे तब भी समझ लो कि ये आपका खराब हो चुका है, और अगर मैं ऐसे रखता हूँ यहाँ पे अगर बजर मोड़ देता है तो समझ लो कि आपका ये खराब हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये कैसे आपका टेस्ट होगा, ये ऑफ कंडीशन में टेस्ट होगा, इसका मतलब क्या, ये ऑफ सर्किट है, मतलब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दी गई है, इस कंडीशन में आपको ये टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑन कंडीशन में टेस्ट करते हो तो यहाँ से गेट आपका एक्टिवेट है और यहाँ से ये सप्लाई जो है यहाँ पे ये बाईपास हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे अगर टेस्ट करते हो बजर मोड तो ये आपका 100% यहाँ पे बजर देगा, लेकिन ये आपका खराब इस कंडीशन में खराब ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बजर मोड पे टेस्ट करोगे तो आपको क्या करना है, इस मॉस्फेट के लिए जो सप्लाई है वो टोटली बंद कर देनी है, तभी आप ये मॉस ऑफ ऑफ कंडीशन में ये आप टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको ऑन कंडीशन में चेक करना है तो ऑन कंडीशन में चेक करना है तो सिंपल आपको चेक करना क्या है कि एक तो गेट पर आपको सप्लाई मिलनी चाहिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी सप्लाई इस मॉस्फेट के लिए आता है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। यूँ समझ लो कि ये आपने ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रख दिया और यहाँ पे आपने गेट पे वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज मिलता है तो सिंपल सी बात है ये ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखो, उसके बाद सोर्स पे वोल्टेज चेक करो, और सोर्स पे अगर वोल्टेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, ड्रेन पर भी अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ये गेट एक्टिवेट है और सही से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलता है और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपका ये खराब हो चुका है, क्योंकि देखिए मॉस्फेट तो अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग क्योंकि उसे उसी काम के लिए बनाया हुआ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलता है, आपको अगर माइनस माइनस में अगर वोल्टेज मिलता है तब भी आपका ऐसा नहीं है कि वो खराब है, माइनस वोल्टेज भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकली आप बजर मोड पे इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है सही से इसे निकाल के सर्किट से, इसे अगर आपको आपने इसको निकाल दिया और आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक उंगली आपको गेट पे रखनी है और दूसरी उंगली आपको सोर्स पे रखनी है, ठीक है, उसके बाद सोर्स से हटा के आपको ड्रेन पे रखनी है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका गेट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये गेट डिस्चार्ज हो गया, और अभी आपको करना क्या है कि सिंपली आप सोर्स पे रेड प्रोब रखो और ड्रेन पे ब्लैक प्रोब रखो, रीडिंग देखो मिलता है नहीं मिलता है, ठीक, कोई बात नहीं, अभी रेड प्रोब आप सोर्स पे रखो और सॉरी ब्लैक प्रोब आप सोर्स पे रखो और रेड प्रोब आप ड्रेन पे रखो, आपको रीडिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं क्योंकि अभी ये डीएक्टिवेट मोड में है, ठीक
ठीक है, तो इसे अभी आपको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक तो 3 वोल्ट देना है या फिर 5 वोल्ट देना है, ठीक है। दोनों में से कोई आप एक होल्ड दे दो। इसे होल्ड देने के बाद ये आपका गेट चार्ज हो जाएगा और ये आपका जो डायोड है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये बाईपास हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा, आप सोर्स पे ब्लैक रेड प्रॉब रखो और ड्रेन पे ब्लैक प्रॉब रखो तो आपको रीडिंग मिलना चाहिए, या फिर आपने इसे उल्टा कर दो आपको रीडिंग मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीडिंग मिलेगा, तो ठीक है, तो आपका ये ऑन कंडीशन है। और यहाँ पे आप इसे चार्ज मतलब इसे वोल्टेज देते हो 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, तब भी आपको रीडिंग नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपका ये मॉस्फेट जो है वो खराब हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको टेस्ट करना है ये मॉस्फेट, ठीक है। जैसे अभी मैं सिंपली आपको यहाँ पे बजर मोड पे मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये बजर आपको सुनाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं एक प्रोब रखता हूँ और दूसरा प्रोब मैं यहाँ पे एक ड्रेन पे रखा, एक सोर्स पे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बजर नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रखा, कोई बजर नहीं आ रहा है। ड्रेन और सोर्स में मैं रखता हूँ, गेट और सोर्स में मैं रखता हूँ, कोई बजर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये ऑफ सर्किट है, मतलब ये ऑफ सप्लाई, यहाँ पे कोई सप्लाई दी नहीं गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये तो फर्स्ट टेस्टिंग है। ये इस कंडीशन में क्या हो गया कि आपका ये जो मॉस्फेट है वो बिल्कुल ही कहीं शॉर्ट नहीं हुआ है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको उंगली रख देनी है। इससे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर रख दो ऐसे ही। रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद अभी आपको करना क्या है, इसका टेस्टिंग लेना है। टेस्टिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सोर्स और ड्रेन दोनों पे आपको ये मल्टीमीटर के प्रोब रखनी है और आपको रीडिंग चेक करनी है। तो रीडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ठीक है, तो अभी करना क्या है, अगर आपको ये ऑन करके चेक करना है तो यहाँ पे ये जो गेट है इसको आपको सप्लाई देनी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये सर्किट जो है, इस सर्किट को आपको सप्लाई देनी होगी, ठीक है। तो अगर ये सर्किट में आप सप्लाई देते हो तभी इस गेट पर सप्लाई मिलेगी और तभी आपको रीडिंग आपके मल्टीमीटर पे आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मॉस्फेट चेक करना है। ओके, तो ये क्या है, हमारा ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है ये NPN, क्या है ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो इसके जो पिंस होती है वो एक बेस होती है, ये कलेक्टर होती है और ये ईमीटर होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको टेस्टिंग बताया, सेम टेस्टिंग भी आपको इसी में करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसका जो टेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी यहाँ पे बेस के ऊपर जब ये सप्लाई आती है या फिर हम इसे सिग्नल कह सकते हैं, जब ये सिग्नल आते हैं तभी ये बेस एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद जो ये जो सप्लाई आ रही है कलेक्टर से होके, तो ये जाएगा ई मीटर की तरफ। कब जाएगा, जब ये बेस एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से भी ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और एक चीज अभी ध्यान में रखना है आपको कि जो बेस होता है या फिर मॉस्फेट का ड्रेन होता है, तो ये क्या होता है, एक यहाँ से ये सिग्नल प्राप्त करता है, क्या करता है, ये सिग्नल प्राप्त करता है वोल्टेज के स्वरूप में, ठीक है।
जिसे हम सिग्नल कहते हैं ना, वो एक तरह का एक वोल्टेज होता है जो एक्टिवेट करता है इस डायोड को, और यहाँ से होके सप्लाई ये निकल जाती है, कलेक्टर से होके जाती है ये मीटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये तब तक शॉर्ट होता है जब तक कि यहाँ पे इसे सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तब तक ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब ये सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगी तो ये यहाँ का जो सप्लाई है ये पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ये टूट जाएंगे और सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से ये ट्रांजिस्टर भी वर्क करता है, ठीक है। तो सेम हमें चेक करना है, जैसे बेस पर हमें ब्लैक प्रोब रखनी है, उसके बाद रेड प्रोब एक बार आप यहाँ पे रखो, बजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रखो बजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब ये तीनों का एक दूसरे के साथ बजर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बजर आता है आपको बीप मिलता है तो समझ लो कि आपका ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल से तरीका है आपको बजर मोड पे चेक करने का, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करना है ऑन कंडीशन में, तो ऑन कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पे आपको बेस पर अगर आपको सप्लाई यहाँ पे मिलता है दिखता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई अगर मिलती है तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट होने के बाद आपको सप्लाई यहाँ पर भी मिलनी चाहिए और यहाँ पर भी मिलनी चाहिए, ठीक है। और सप्लाई जो है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि मॉस्फेट में बताया कि यहाँ पे अगर 12 वोल्ट हो तो यहाँ पे 12 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी सकता है, 1.5 वोल्ट भी सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा डिजाइन ऑफ ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट, ठीक है। और बस ये एक स्विच की तरह काम करता है, और मतलब ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चेक करते समय आपको ऑन कंडीशन में बस यही चेक करना है कि यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए, या फिर अगर पीएनपी हो तो यहाँ से यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये सप्लाई नहीं जाती है, जब हम सप्लाई दे यहाँ पे सप्लाई अगर बेस पे मिल रहा है तब भी आपको यहाँ पे एक 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 सिरे पे आपको सप्लाई मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे मतलब कलेक्टर पे आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फॉल्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखा आपने कि इसे कैसे टेस्ट करना है, मॉस्फेट हो या ट्रांजिस्टर हो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और देखते रहिए। थैंक यू।